मैं शुरू करता हूँ। जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने में शंका नहीं करते, वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने, अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ महर्षि जी कह रहे हैं कि जो लोग देश देशांतर में अन्य अन्य देशों में जाते हैं, देशांतर मतलब अलग अलग देशों में, द्वीप द्वीपांतर अलग अलग द्वीपों में जाते हैं, तो वहाँ जाने आने में शंका नहीं करते, संकोच नहीं करते, संशय नहीं रखते, खुलकर जाते हैं। वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम, समागम का अर्थ है मिलना जुलना, तो अनेक देशों के लोगों से मिलते जुलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, व्यापारी मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, ऑफिसर मिलते हैं और तरह तरह के व्यक्ति मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी रीति भांति देखते हैं और उनको देखकर उनको बहुत सारी जानकारी बढ़ती है और पता चलता है कि इस देश के लोग कैसी परंपराओं में जी रहे हैं और यहाँ की जो परंपराएं हैं वो वैदिक हैं या अवैदिक हैं, इस तरह से उनको जानकारी होती है देखने से। और यदि उनको लगता है कि ये लोग वैदिक परंपरा से विरुद्ध चल रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग खाना पीना डांस करना पार्टी वार्टी फैशन वैशन बहुत उल्टा सीधा करते हैं, वैदिक परंपरा के विरुद्ध चलते हैं, तो इससे उनको जानकारी होती है, तो फिर वो क्या करते हैं उन इलाकों में उन देशों में जहाँ पर वैदिक परंपरा के विरुद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने लगते हैं, अर्थात वहाँ अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ भी वेद विरुद्ध शासन चल रहा है उसको ठीक करेंगे, वहाँ जाके अपना शासन बढ़ाएंगे और कहेंगे यहाँ पर या तो तुम वैदिक शासन करो नहीं तो हम करेंगे। वैदिक शासन होना चाहिए, वो सबके लिए सुखदायक है, सबके लिए उन्नतिकारक है। इसलिए जो लोग देश देशांतर में द्वीप द्वीपांतर में जाते आते हैं तो उनको ये सब जानकारी होती है और वो वैदिक राज्य को बढ़ाते हैं और उस काम में वो कोई भय नहीं रखते, निर्भय होकर शूरवीरता से काम करते हैं और अच्छे व्यवहार का ग्रहण। हो सकता है कुछ वहाँ अच्छी परंपराएं हों, जैसे विदेश में लोग समय का पालन करते हैं, पंक्चुअलिटी, समय का पालन करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, शुद्धता से रहते हैं, तो जो जो भी वहाँ अच्छी बातें हैं उनका वो ग्रहण कर लेते हैं, वो लाभकारी हैं, वेद की बातें हैं वो लोग पालन कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ कमी है तो वो चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, अच्छी बातें वहाँ सीखने को भी मिलती हैं और बुरी बात को छोड़ने में तत्पर हो के, और जो वहाँ की बुराइयाँ हैं अंडे खाना मांस खाना शराब पीना नंगे नाच करना उनको छोड़ देते हैं, वो बुरी बात नहीं सीखते, अच्छी बात सीखते हैं और इस प्रकार से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। वो अपने ऐश्वर्य को विस्तार करते हैं, अपने राज्य शासन को बढ़ाते हैं, प्रजा को सबको सुख देते हैं, इस प्रकार के काम होते हैं। इसलिए देश देशांतर में जाना अच्छा है, बुरा नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छ कुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते, किंतु देश देशांतर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं, यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? ये उन भारतीयों के लिए कह रहे हैं जो भारत के लोग भारत में रहते हैं और म्लेच्छ कुलोत्पन्न, म्लेच्छ कुल कहते हैं घटिया, बिल्कुल गंदे संदे रहने वाले मछुआरे और ऐसे चमार भंगी कुछ इस टाइप के घटिया स्तर के लोग, और उन कुलों में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां वो वेश्यावृत्ति करती हैं। यहाँ भारत में छोटे घर के लोग कहीं कहीं कुछ लोग मजबूरी में करते हैं या कहीं स्वार्थवश भी ऐसा करते हैं, धन कमाने के लिए भी ऐसा वेश्यावृत्ति करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ये कह रहे हैं जो लोग विदेश जाने को मना करते हैं ऐसे नकली पंडित लोग और नकली भारतीय लोग जो विदेश जाने को तो मना करते हैं और अपने भारत देश में गंदे लोगों के साथ व्यभिचार करते हैं, म्लेच्छ कुलों में उत्पन्न हुए वेश्या आदि के साथ
भ्रष्टाचार करते हैं। वो लोग ऐसा गलत करने से तो अपने आप को धर्महीन नहीं मानते, ऐसा करने में तो वो ठीक मानते हैं, और विदेश जाके अच्छी बात सीखने में दोष मानते हैं। ये मूर्ख नहीं तो और क्या है, ये मूर्खता ही है। तो विदेश जाकर अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना अच्छी बात सीखना, और कोई वहाँ की स्त्री अच्छी हो गुणवती हो तो उसके साथ शादी करना भी कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था, अर्जुन विदेश की कन्या से शादी करके लाया, अमेरिकन लड़की से। ऐसे और भी वहाँ की माद्री थी जो वहाँ की थी, ईरान की थी, और कहाँ कहाँ की बहुत सारी विदेशी स्त्रियाँ थी हमारे उस समय जिनसे अब शादी करके लाए थे भारत के लोग। तो अच्छे पुरुषों के साथ अच्छी स्त्रियों के साथ विवाह करना, संबंध रखना और व्यापार बढ़ाना, राज्य शासन बढ़ाना, ये अच्छी बात है। उसको तो वो खराब मानते, और भारत में खराब लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ भ्रष्टाचार करना, इसको वो ठीक मानते। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है।